हेलो एवरीवन, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी लोग हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो क्या है, हम किस बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑन स्क्रीन आप देख ही रहे हैं कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे हम इन मैथमेटिक्स, है ना। और मैथमेटिक में मैंने बताया था कि आपका जो पहला पेपर है वो है ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म। आपका जो पहला पेपर है वो है ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म। और सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज ग्रुप, है ना। और ग्रुप में सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, हम देखेंगे कि हमारा जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी आपकी बातचीत होने वाली है, वो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इन मैथमेटिक पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट का नाम है ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म। अब ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म में सबसे पहले हम ग्रुप को देखेंगे, और ग्रुप में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है कंजुगेसी रिलेशन। अब हम समझेंगे कि कंजुगेसी रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज कंजुगेसी रिलेशन, व्हाट यू कंजुगेट क्लास, है ना, ये सारी चीजें, उसकी यूज क्या है, उसकी नीड क्या है, किस जगह कैसे यूज करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रुप में सबसे पहला टॉपिक है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है कंजुगेसी रिलेशन। व्हाट इज कंजुगेसी रिलेशन, हम कंजुगेसी रिलेशन किसे कहते हैं, हम कंजुगेसी रिलेशन कहते किसे हैं, कैसे जानेंगे कि ये कंजुगेसी होता है। और कंजुगेसी रिलेशन को जानने के पहले हम समझेंगे कि ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या होता है। ग्रुप वही चीज होता है जैसे हम जानते हैं कि ग्रेप्स, है ना। मान लीजिए कि आपका ग्रेप्स हो गया, तो ग्रेप्स भी क्या है, गुच्छों का समूह है ना। एक मान लेंगे कि सोल्जर, सोल्जर, सोल्जर भी ग्रुप्स में ही होते हैं, है ना। सोल्जर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं। ये हो गया हमारे जो फाइव फिंगर्स होते हैं, फाइव फिंगर्स होते हैं, ये भी हमारे ग्रुप में हमेशा रहते हैं, है ना। और किसी को वार्निंग देना होता है तब हम सिंगल फिंगर्स का यूज करते हैं कि ऐसा समझ लेना। तो ये सारी बात खैर छोड़िए, इसको स्किप करते हैं। हम जानते हैं कि ग्रुप क्या होता है, कई, जैसे आप अकेले हो और आपका जो फैमिली है, आप अकेले हैं तो आप सिंगल होंगे, फैमिली के साथ बैठे हैं तो एज अ ग्रुप कहलाएगा, है ना, कि हम ग्रुप में बैठे हैं। या फ्रेंड सर्कल में हैं तो कई लोगों के साथ बैठे हुए हैं, कई दोस्त हैं आपके, आपके दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, तो वो ग्रुप में ही रहते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, हम ग्रुप को समझे कि ग्रुप क्या है, है ना। जैसे ये वन है, ग्रुप को भी हम एज अ बहुत बेसिक समझा रहे हैं कि ग्रुप है क्या। मान लीजिए कि ये वन है, वन के साथ टू ऐड हो गया, बन गया थ्री, तो ये थ्री क्या हो गया, एज अ ग्रुप हो गया। कोई थ्री है, इसमें फोर प्लस को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेवन, ये भी हमारा ग्रुप में ही होगा। मतलब एक के अलावा अगर कोई अन्य आपसे आके जुड़ गया तो वो ग्रुप में हो जाएगा, वो ग्रुप में हो जाएगा। ये बातें हो गई। अब हम देखेंगे कि हम कंजुगेसी तो पढ़ रहे हैं, तो कंजुगेट का सिंबल क्या होता है, कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ सिंबल, है ना, या सिंबल ऑफ कंजुगेट ऐसा कह सकते हैं, सिंबल ऑफ कंजुगेट, सिंबल ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट का सिंबल क्या होता है, जब आप कंजुगेसी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिंबल पता ही होना चाहिए कि कंजुगेट का सिंबल कैसा होता है। तो सिंबल ऑफ कंजुगेट कैसा होता है, हम इस तरह से लिखते हैं, है ना, हम इस तरह से कंजुगेट को डिनोट करते हैं। ये बातें हमारी हो गई। अब हम चले अपने टॉपिक पे, अब हम चल रहे हैं, ये तो खैर बेसिक बेसिक बातें थी जो हमारी खत्म हो गई, अब हम चलते हैं अपने कंजुगेसी टॉपिक पे। तो स्टार्ट करते हैं हम कि डिफिनीशन क्या होता है इसका। डिफिनीशन होता है कि टू एलिमेंट्स ए एंड बी, कोई ग्रुप है, मैंने बताया कि एक अकेले पर्सन का कभी ग्रुप नहीं बनता है, जब एक से अलावा, मतलब एक के भले दो, है ना, और दो के भले चार, तो ये बातें होती हैं। जब हमारा कोई एलिमेंट है और एलिमेंट का नाम हमने दिया है ए और बी,
जरूरी नहीं है कि ए और बी ही रहे, आप अपने हिसाब से सी डी ई एफ कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ जो लिखा है आप वही रट्टा मारे रहो कि एलिमेंट ई ए भी बताया गया है तो एलिमेंट ए भी ही रहेगा। कोई दो एलिमेंट है, एट मिनट, टू एलिमेंट की बात कर रहा है, टू एलिमेंट है ना, टू एलिमेंट ए एंड बी इन ए ग्रुप, दो एलिमेंट एक ग्रुप में है, जी आर कंजुगेट, जो जी से कैपिटल जी से कंजुगेट कर रहे हैं, जो कैपिटल जी से कंजुगेट कर रहे हैं, जी आर कंजुगेट इफ देयर एग्जैक्ट हो गया यहाँ पे, वेट मिनट वेट कर लीजिए, ये शायद रेज हो गया है, एग्जैक्ट एग्जिट एंड एलिमेंट स्मॉल जी इन सच दैट ए इक्वल जी बी जी एंड वन माइनस वन है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा कि डिफिनेशन हमारा क्या होगा ग्रुप का है ना, कंजुगेट ग्रुप का क्या डिफिनेशन होगा कि जब किसी ग्रुप में सॉरी जब किसी ग्रुप में दो एलिमेंट ए और बी कैपिटल जी से कंजुगेट करेंगे तो हमारे क्या कहेंगे कंजुगेसी कहलाएंगे, हमारे कंजुगेसी कहलाते हैं। ये कंजुगेसी की डिफिनेशन हो गई कि जब कोई एलिमेंट एक ही ग्रुप में ए और बी बनके है ना कैपिटल जी से कंजुगेट करते हैं तो वो हमारे कंजुगेसी कहलाते हैं। अब हम समझेंगे कि कंजुगेसी क्लास क्या होता है, व्हाट इज कंजुगेसी क्लास, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज कंजुगेसी क्लास। तो द सेट ऑफ एलिमेंट इसको देखेंगे यहाँ पे, द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर कंजुगेट टू ईच अदर इज कॉल्ड ए कंजुगेसी क्लास। कह रहा है द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर कंजुगेट टू ईच अदर इज कॉल्ड ए कंजुगेसी क्लास है ना। कोई सेट है उसके एलिमेंट है और वो जी के अलावा, जैसे मैंने ऊपर बताया कि कंजुगेट कैपिटल जी से कंजुगेट कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि जी के अलावा किसी अदर से जब कंजुगेसी कराएगा तो वो कंजुगेट क्लास कहलाता है, कंजुगेसी क्लास कहलाता है। तो हमें डिफरेंट क्या समझ में आया कि जब हमारा कंजुगेसी क्लास होगा, फिर से समझेंगे व्हाट इज कंजुगेसी क्या होता है। तो कंजुगेसी क्या होता है कि हमारे दो एलिमेंट होते हैं ए बी, मतलब कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ए ही बी ले, तो दो एक ग्रुप है, एक ग्रुप में दो एलिमेंट है जो हमारा क्या कर रहे हैं कैपिटल जी से कंजुगेट कर रहे हैं, कैपिटल जी से कंजुगेट कह रहे हैं तो वो हमारे कंजुगेट कहला रहे हैं। लेकिन कंजुगेसी क्लास में क्या है कि कंजुगेसी क्लास में एलिमेंट तो रहेंगे लेकिन वो कैपिटल जी के अलावा किसी अदर से कंजुगेट कराएंगे तो वो क्या हो जाएंगे कंजुगेसी क्लास कहलाएंगे। जैसे ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कंजुगेटिक क्लास कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं कंजुगेट क्लास, इस तरह से ये है कंजुगेट क्लास का डिनोटेड है ना, इसको डिनोट ऐसे करते हैं। तो जब ये हमारा कंजुगेट कैसे कर रहा है, कंजुगेट ए क्या है, ए कंजुगेट बी, फिर ए कंजुगेट सी, ए कंजुगेट डी। अब इसमें से ए ए सब में कॉमन मिल रहा है ना जैसा आप देख रहे हैं, तो हम कंजुगेटिक क्लास कर लेंगे, कंजुगेट क्लास इक्वल, फिर यहां से हमारा बच कह रहा है बी सी और डी, वही चीज वहां पे लिखा है बी सी और डी कि कंजुगेट हमारा ए बी से भी कर रहा है और बी ए से भी कर रहा है, ए सी से भी कंजुगेट कर रहा है, सी ए से भी कर रहा है, ए डी से भी कर रहा है और डी ए से भी कर रहा है। हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन ए मिल रहा है, कॉमन ए मिला तो हमें पता है हम कॉमन ए को निकाल करके बाकी जो बचेंगे अदर एलिमेंट्स है ना उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो ये बातें हो गई, इसको आपको नहीं लिखना है, बस मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए इसको लिखी थी, इसको समझाने के लिए लिखा गया था, आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना नहीं है, ये बातें हो गई। इसको आप लिख लेंगे साफ शब्दों में, ऐसे साफ शब्दों में लिखेंगे कंजुगेट क्लास, ये आपका कंजुगेट क्लास है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि हमारा रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या होता है। हमने कंजुगेट पढ़ा कि कंजुगेट क्या होता है या कंजुगेसी क्या होता है, हमने पढ़ा कंजुगेसी क्लास क्या होता है, दोनों में डिफरेंट समझ में आया हमें है ना। अब हम रिलेशन ऑफ कंजुगेसी देखते हैं कि हमारा रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या होता है। तो रिलेशन ऑफ कंजुगेसी देखेंगे, जब रिलेशन ऑफ कंजुगेसी को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, कह रहा है इफ जी
एंड ओ, बी ए ग्रुप, ए ग्रुप में जी और ओ है, दो एलिमेंट, और जो बिलोंग किसे करेंगे, बी बिलोंग टू जी, बिलोंग कर रहा है बी बिलोंग टू जी, बी द ऑरेटरी एलिमेंट, देन बी इज सेड टू बी कंजुगेट टू ए इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू जी, एक्स बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी है, यहां एक्स बिलोंग टू जी है, सच दैट बी इक्वल एक्स इनवर्स माइनस वन ए एक्स, या इसको ए एफ एक्स कह सकते हैं, ए ऑफ एक्स, एंड एलिमेंटेड, ये डिनोटेड है, डिनोटेड बाय बी कंजुगेट ए। अब इसको समझेंगे, समझना क्या है कि यहां पे हमारा कोई ग्रुप है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा कोई ग्रुप है जिसके अंदर ऑर्बिटरी, ऑर्बिटरी ये क्या है, ये हमारा ए है, बी है और सी है, और ये एक्स जो दिया है ये ऑर्बिटरी नंबर होता है ना, ये एक्स ऑर्बिटरी नंबर है, ये ए क्या है, ए कंजुगेट बी कर रहा है, फिर ए कंजुगेट सी कर रहा है ना, जैसे यहां आप देख रहे हैं ए कंजुगेट बी, फिर हम लास्ट में इसको इनवर्स में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस, है ना, इसको इनवर्स माइनस वन, और यहाँ पे ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन होगा, यहाँ पे ऑपरेशन होगा, एक्स इनवर्स माइनस वन ऑपरेशन बी ऑपरेशन एक्स, समझ में आया। फिर से बताएंगे कि हमारा कोई ग्रुप है उसमें हम कंजुगेट क्या करेंगे, ए कंजुगेट बी, फिर कंजुगेट क्या है सी, और ये ऑर्बिटरी नंबर है, फिर हमें मिलेगा क्या, मिल जाएगा हमें इसमें लास्ट में ए इक्वल एक्स इनवर्स माइनस वन ऑपरेशन बी ऑपरेशन एक्स। ये बातें हो गई, ये बातें क्लियर हो गई, तो हमें लास्ट में यही वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, वही चीज यहाँ पे भी डिनोट किया गया है, लिखा गया है कि बी क्या होगा, बी डिनोटेड यहाँ देखो दिया है, बी डिनोटेड बाय बी कंजुगेट ए, तो बी कंजुगेट ए, बी इक्वल एक्स इनवर्स माइनस वन, फिर क्या हो जाएगा एक्स इनवर्स माइनस वन ऑपरेशन ए, और यहाँ पे भी ऑपरेशन हो जाएगा ए माइनस ऑर्बिटरी एक्स, ऑर्बिटरी एक्स। तो ये बातें हो गई, आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा कि ग्रुप क्या होते हैं, कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेसी क्लास क्या होता है ना, और रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या होते हैं, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या होते हैं, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या होते हैं कि आप हैं, मान लीजिए ये आप हैं, आपके साथ फिर आपका फ्रेंड जुड़ गया है ना, फ्रेंड के साथ भी फ्रेंड का फ्रेंड जुड़ गया है ना, और उसके ऊपर फिर उसके नानी मामा जो भी है ना, और फिर उसके बाद उसके फूफा फूफा वगैरह भी कोई आ गए, तो ये मतलब रिलेशन होता है, जुड़ते चले जाएंगे, कई लोगों का जुड़ा हो जाएगा तो ये कंजुगेशन रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी कंजुगेशन रिलेशन का दिया है अगेन द रिलेशन बिटवीन, देन इज सेड टू बी रिलेशन कंजुगेशी। यहाँ पे देखेंगे कि ये जितना भी हमने देखा, जितना भी देखा, इफ जी ओ बी द ग्रुप, ए बी बिलोंग टू जी, बी द ऑर्बिटरी एलिमेंट, बी हमारा ऑर्बिटरी एलिमेंट है, बी हमारा क्या है, बी हमारा ऑर्बिटरी एलिमेंट है, देन बी इज सेड टू बी कंजुगेट, बी कंजुगेट कर रहा है जी से, तो ये हमारा टू बी इफ देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू जी, ये जो हमारा ऑर्बिटरी एक्स है, सच दैट ये हमें मिल गया। और लास्ट में क्या मिला, लास्ट में क्या कहा कि ये जो सारी क्रियाएं हुई वो अगेन द रिलेशन बिटवीन देन इज सेड टू बी कंजुगेट रिलेशन, या रिलेशन ऑफ कंजुगेसी यही कहलाएगा। तो ये बातें तो हम समझ चुके हैं। खैर अब देखेंगे कि ऐसे ही समझो ना कि रिलेशन क्या होता है, संबंध, जब बहुत सारे लोगों का जुड़ा होता है, जैसे आप हैं, फिर ननिहाल में जाएंगे वो भी आपका रिलेशन हुआ, फूफा या फूफी यहाँ जाएंगे वो भी आपका रिलेशन हुआ, दीदी के यहाँ गए वो भी रिलेशन हुआ, लेकिन कंजुगेशी रिलेशन तो समझ गए। अब कह रहा है कि सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या होते हैं, अब सेल्फ से ही पता चल रहा है ना कि सेल्फ क्या होता है, अपने आप, स्वयं, स्वयं की बात कर रहा है। जब कोई भी एलिमेंट अकेला होगा, उसका कोई ग्रुप नहीं होगा, तो वो सेल्फ कंजुगेट कहलाता है। जब कोई एलिमेंट अकेला होगा, उसके साथ कोई भी ग्रुप या उसके साथ कोई भी अदर एलिमेंट
नहीं कंजुगेट होगा या नहीं होगा उसके साथ, तो वो सेल्फ कंजुगेट कहलाएगा। ये बात हो गई। तो देखते हैं कि एन एलिमेंट ए, कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम है ए ऑफ ए ग्रुप, वो अपने ग्रुप का अकेला मेंबर है। Z इज सेड टू बी द सेल्फ कंजुगेट। अकेला एलिमेंट है तो वो अकेले ही Z से कंजुगेट कराएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ कंजुगेट कहलाएगा। इफ ओनली एंड इफ इट्स कंजुगेट क्लास हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जब कोई भी ग्रुप होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा। मैंने ये बातें आपको पहले ही बताई कि कोई भी ग्रुप में अकेला एलिमेंट होता है वो तो सेल्फ कंजुगेट कहलाता है, क्योंकि हमें सेल्फ से ही पता चलता है कि अकेले की बात हो रही है। तो कंजुगेट क्लास में क्या दिया है? ओनली ये दिया है, ये हो गया हमारा सेल्फ कंजुगेट। अब देखेंगे और क्या बचा है, कुछ देखेंगे कि कंजुगेसी क्लास एंड यूजफुलनेस है ना। कंजुगेस क्लास का हमें यूजफुल कहां मिलता है, हम यूज कहां कर सकते हैं? तो दिया है कंजुगेसी क्लास आर यूजफुल इन स्टडिंग ग्रुप स्पेशली इन रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। जब हम कंजुगेसी की थ्योरी पढ़ेंगे है ना, या और डीप में जाएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे हम इसी में, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि जब अभी तो आप डिफिनेशन पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीजें समझ रहे हैं कंजुगेसी में, कि उसके क्लास क्या होते हैं, उसके ग्रुप क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंजुगेट किससे होता है, ये सारी बातें। तो आप जब थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भर भर के रिप्रेजेंटेशन कंजुगेसी का होता है। जब आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन स्टडिंग टू रिप्रेजेंटेशन है ना, स्टडिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरी, जब आप इसी में कंजुगेशन में थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपका भर भर के रिप्रेजेंटेशन होगा। ये बातें हो गई, तो फिर आज तक के क्लास में यहीं तक, फिर हमारी बातें होंगी आपसे अगली क्लास में नॉर्मलाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट, एमएससी का जो ग्रुप का सेकंड टॉपिक है हमारा, एमएससी मैथमेटिक ग्रुप का सेकंड टॉपिक हमारा है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, इसके बारे में हम सभी जानेंगे। तब तक के लिए पे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ।